हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैं आज की इस वीडियो में इंस्टाग्राम के टॉप 4 बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे, और सुने भी होंगे तो ये वीडियो जरूर देख लेना, आपको मैं काफी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स, नॉलेजेबल वीडियो, स्मार्टफोन्स के सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अपनी स्टोरीज हाइड कर सकते हो व्हाट्सएप पर, वैसे भी आप इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो। तो ये भी बात आपने कहीं पर नहीं सुनी होगी, और शायद से सुनी होगी तो आपको किसी ने डिटेल में नहीं बताया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपली से जिसको आपको हाइड करना है, यानी कि किसी को समझो आप हेट करते हो और आपको उसको आपकी स्टोरी देखना नहीं चाहिए, तो आप सिंपल से उसके प्रोफाइल पर जाना और वहां पर 3 डॉट जो है कोने में, उस पर क्लिक कर लेना। वहां पर आपको हाइड योर स्टोरी ऑप्शन मिल जाएगा, तो जैसे अनेबल करते हो उसको आपकी कोई भी स्टोरी नहीं दिखेगी। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड ट्रिक, तो दोस्तों क्या आपको पता है कि बिजनेस प्रोफाइल करने से आपको काफी फायदे होते हैं? तो ये चीज आप जरूर ट्राई कर लेना। और जब भी आप अपने अकाउंट में जाते हो, अपने प्रोफाइल पर जाते हो, अपने मेन प्रोफाइल पर, और एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते हो, तो वहां पर आपको नीचे जो है एक ऑप्शन मिलता है, क्रिएट प्रोफेशनल प्रोफाइल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको वहां पर क्रिएटर या फिर बिजनेस दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो क्रिएटर हो, यानी कि जैसे कि टिकटॉक स्टार हो, एक मॉडल हो, या फिर आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, तो आप क्रिएटर पर क्लिक कर सकते हो। और या फिर आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। तो दोनों ही किसी एक चूज करने के बाद आपको वहां पर सारी चीजें मिलेंगी और आपका एक बिजनेस प्रोफाइल बनेगा। इससे क्या होगा कि आप तो अपने पोस्ट को प्रमोट कर पाएंगे, वो चीज मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो इस वीडियो पर। और हाँ, दूसरी चीज, आप जो है आपका जो प्रोफाइल है वो काफी सारे लोगों तक पहुंच जाएगा, इससे कि आप जो है देख भी सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने इसको देखा है, कितने सारे लोगों तक ये पहुंचा है। ये सारी चीज आप इसमें कर सकते हो जो नॉर्मल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर नहीं होता है, वही सिर्फ बिजनेस अकाउंट में होता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो क्या आपको पता है कि जैसे आप व्हाट्सएप में अपना लास्ट सीन हाइड करते हो, वैसे आप इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, तो ये आप ट्रिक जरूर ट्राई कर लेना। जिसको भी आप अपना लास्ट सीन नहीं दिखाना चाहते हो तो आप सिंपल सी चीज कर लेना, आपको बस अपने सेटिंग्स में जाना है, यानी कि सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पर जाना है, इसके बाद में सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और जैसे सेटिंग्स पर क्लिक करते हो तो वहां पर आपको प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और आपको वहां पर एक्टिविटी स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसको अनेबल करते हो तो आपका जो लास्ट सीन है वो कोई नहीं देख पाएगा, और साथ में किसी का लास्ट सीन आप भी नहीं देख पाओगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद में चौथी ट्रिक, तो ये जो ट्रिक है वो सभी लोगों को पता है ज्यादातर, और जिसको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपल से जब भी आप अपने पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पर, और जैसे आप लास्ट फाइनल स्टेप पर पहुंचते हो जहाँ पर आप अपना जो है नीचे वाला कैप्शन लिखते हो, हैशटैग डालते हो, तो वहां से आप इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पर, साथ में ट्विटर पर, ये सारी जगहों पर डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे आप इन सारे ऑप्शंस को अनेबल करते हो तो आपके पोस्ट डायरेक्टली फेसबुक अकाउंट पर, साथ में आपके ट्विटर अकाउंट पर पहुंच जाएंगे, तो आपको सेपरेटली अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन है। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, अगर आपको प्रोफाइल काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है, यानी कि काफी ज्यादा काम कर रहा है, जैसे कि समझो आपके 10K फॉलोअर्स है, 20-30K, तो आप अपने प्रोफाइल पर वेरिफिकेशन बैच जो है वो खुद से ला सकते हो। जी हाँ, और ये काफी आसान है। तो आपको सिंपल से अपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो है आपको वहां पर ऑप्शन ओपन करना है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो जैसे आप ये वाला ऑप्शन ओपन करते हो, आपको वहां पर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो ये आप जब भी क्लिक करते हो तो आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, और जैसे आप भर देते हो तो वो रिव्यू करते हैं कि आपका अकाउंट कितना पॉपुलर है, आप कहाँ कहाँ काम करते हो, यानी कि ये सारी चीजें। और इसके लिए आपको बिजनेस प्रोफाइल करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें कर दोगे और अगर आपका लक रहा तो आप अकाउंट अपना वेरीफाई भी कर दोगे। तो ये भी काफी इजी और आसान ट्रिक है जो कई सारे लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो कमेंट जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन, ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।